शो को आगे बढ़ाते हैं और बिग मार्केट वॉइसेस में आज बाजार सेक्टर्स और स्टॉक्स पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेहरबून जुड़े हैं, मेहरबून ईरानी। मेहरबून जी, गुड आफ्टरनून। और मेरे ख्याल से इस साल में हमारी पहली कॉन्वर्सेशन है, तो आपको नववर्ष की बहुत बहुत मुबारक। हैप्पी न्यू ईयर। बताइए, क्या व्यू है इस समय 2024 के लिए? काफ़ी एक वन वे रैली रही 2023 में, क्या 2024 वैसा ही रहेगा? आई थिंक इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद, ये स्टेट इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद आपके चैनल पर आकर आई ऑन रिकॉर्ड कि 2024 में एक एक्सप्लोसिव न्यू हाई मार्केट बनाएगा। और इसका मेरा तीन एजम्पशंस था कि एक के प्रेजेंट गवर्नमेंट आएगा मेजॉरिटी के साथ, पहले वो 300 सीट हो या 310 हो, 320 हो, आई डोंट थिंक मार्केट को इससे ज़्यादा परवाह है एज लॉन्ग एज देयर इज मेजॉरिटी। कंसेंसस भी यही कह रहा है मार्केट का। सेकेंड एजम्पशन था कि होपफुली अनलाइक लास्ट ईयर इस साल का मानसून प्रेडिक्शन विल बी बेटर। और तीसरा प्रेडिक्शन था कहीं पर सेकेंड हाफ जून जुलाई अगस्त के आसपास यूएस फेड रेट कट करेगी। तो ये तीन एजम्पशन के बाद ये जानकर कि खास करके काफ़ी सारे फ्रंटलाइन स्टॉक्स है विच आर स्टिल नॉट गॉन अप, कि वाई कांट द निफ्टी मेक एन एक्सप्लोसिव न्यू हाई, ये मेरा एजम्पशन था। लेकिन लास्ट फ्यू डेज के जो मूवमेंट हो रही बाजार में, आई थिंक आज 11वां दिन है वे द मार्केट इज मूविंग इन द रेंज ऑफ 21,500 21,750, तो कहीं पर इट इज डिस्टिंक्टली पॉसिबल। और इन्वेस्टर, खास करके आपके जानकार दर्शकों में ये बात समझना चाहिए कि अगर मैं अपने आप को इन्वेस्टर बोलता हूँ और इतनी अच्छी रैली मैंने देखी है मार्केट में, तो 5-10% पुलबैक अगर आता है, आई डोंट हैव टू चेंज माई व्यू ओवरनाइट। तो मेरा पर्सनल मानना है कि इट इज डिस्टिंक्टली पॉसिबल शॉर्ट टर्म में टेक्सचर मार्केट का थोड़ा सा खराब हुआ होगा। 21,500 और 21,750 के बीच में आज 11 दिन से बाजार घूम रहा है, एंड दिस इज हैपनिंग व्हेन द अर्निंग सीजन रिजल्ट्स आर गोइंग टू स्टार्ट कमिंग इन। तो शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा डर है, वी कैन हैव अ पुल बैक। सेक्टर्स वाइज, स्टॉक्स वाइज, आई थिंक पीपल हु हैव बॉट इनटू गुड क्वालिटी स्टॉक्स, इफ दे वांट टू ऐड, डिस्टिंक्टली पॉसिबल यू विल गेट इट एट लोअर लेवल्स एंड यू कैन ऐड इनटू इट। लेट्स अंडरस्टैंड वन थिंग अनुज भाई, एक मार्केट के बारे में मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है बरसों से कि एक भूत सवारी पे बाइंग हुई थी, किसी को बेचना नहीं था, वन वे बाइंग, पीपल वर जस्ट आइडेंटिफाइंग न्यू स्टॉक्स एवरी डे, ये लेते हैं वो लेते हैं ये लेते हैं वो लेते हैं, तो जो इससे मार्केट पड़ा था, इवन इफ अ पुल बैक हैपन्स देर बी लॉट ऑफ पीपल हु विल रिफ्यूज टू बिलीव के इट्स गोइंग टू बी अ मेजर करेक्शन ऑफ 500,000-1,500 पॉइंट निफ्टी। लेकिन जैसे करेक्शन पड़ता है, जैसा कंसोलिडेशन होता है, जैसा रेंज में मूवमेंट होता है, एवरी डे इंक्रीजिंग वॉइसेस विल स्टार्ट सेइंग कि लेट्स टेक सम मनी आउट। और जहां पे लोगों को ऊंचे में खरीदना था, वो लोग वापस खरीदने को इमीडिएटली नहीं आते, सो देयर विल बी सम सेलिंग विच हैपन्स विच लीड्स टू अ पुल बैक विच लीड्स टू अ लॉट ऑफ डिसकम्फर्ट पोर्टफोलियो वैल्यूएशन में ऑफ काफी सारे इन्वेस्टर्स हु हैव आउट परफॉर्म द फ्रंटलाइन निफ्टी बाय अ वाइड मार्जिन। So that's distinctly possible कि एक pullback आता है। I am still believing that what I had stated, I still stick to it that we will be having an explosive new high. But putting in more and more money without understanding the valuations and considering quarterly results आता है, there could be disappointments here and there in certain sectors, definitely yes, because valuations have gone up. So I would certainly believe that a pullback can continue for some more time and which will provide a fresh entry level to add on to your holdings. ओके अच्छा मेहरबून, थोड़ा सा मार्केट के लिए एक इशू रहा है कि कुछ बैंकों में बिल्कुल मोमेंटम नहीं है, जैसे ICICI बैंक, HDFC बैंक चला पिछले एक महीने में, लेकिन उससे पहले काफ़ी अंडर परफॉर्म किया था उसने। लार्ज कैप बैंकों में आपका क्या व्यू होगा और टॉप पिक क्या होगी यहाँ पर? मैं कहूँगा अभी भी रीजनल बैंक्स के साथ, रोजन पब्लिक सेक्टर बैंक्स, आई लाइक द ICICI बैंक्स, एक्सिस बैंक्स, HDFC बैंक्स, आई हैव देम इन माय पर्सनल पोर्टफोलियो। बट जो एक्शन जो अभी तक नहीं हुआ है, आई डोंट थिंक द एक्शन इज गोइंग टू कम इन अ हरी एट द मोमेंट। आई थिंक इसका भी कारण है अपना अनुभव इन्वेस्टर्स का, आई थिंक दे आर मेकिंग मनी एज वेल, एंड आई थिंक ये मार्केट में जो रिस्क से investors have made money, I don't think anybody is interested possibly in a 1-3% up move at the moment. Lekin maine pehle jo kaha tha explosive new high, ye I have taken into account stocks like ICICI bank, HDFC bank, Axis bank, Kotak bank, even maybe a Reliance Industries, ke sare stocks mein agle 6 mahine mein agar aapko 10-12-15% ka bhi up move dikhta hai, so I think that will add a lot of weight to the Nifty, which
शुड मूव अप अगेन, बट एट द मोमेंट जो कंसोलिडेशन हो रहा है, साइडवेज मोमेंट हो रहा है, कंप्लीट इग्नोर्ड हो रहे हैं सारे स्टॉक्स, आई थिंक पर्सनल व्यू है कि इट कुड कंटिन्यू फॉर सम मोर टाइम। मेहरबान, गुड आफ्टरनून, हैप्पी न्यू ईयर। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, कंसिडरिंग अब हम परसों से रिजल्ट सीजन में उतर ही जाएंगे, टेक्नोलॉजी कंपनियों से क्या उम्मीद है? कंसिडरिंग ज़्यादातर कंपनियों ने थोड़ा सा इशारा किया था कि गाइडेंस थोड़ा टाइट रहेगा, लेकिन Q2 के बाद एंड इन Q3 वी सीन डिसेंट डील विंस। क्या कमेंट्री कुछ बदलने के आसार की उम्मीद है इस समय या नहीं? आई थिंक अनुज जी को और आपको भी मेरा व्यू पता है कि फॉर द लास्ट 1.5 ईयर आई थिंक आई बीन नेगेटिव ऑन IT। कहते आ रहा हूँ कि IT की स्टोरी विल रिमेन गुड फॉर द लॉन्गर टर्म, बट अभी के लिए आई थिंक बस वैल्यूएशंस वर नॉट वेरी चीप। देन द क्वेश्चन केम कि मिड कैप IT कंटिन्यू टू डू वेल, फ्रंटलाइन IT इज रिमेनिंग एट लोअर लेवल्स। तो अभी आप मुझे सवाल पूछते हो विद अर्निंग सीजन अबाउट टू स्टार्ट, आई वुड से दैट नॉट मच शुड बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम द अर्निंग्स फॉर द डिसम्बर क्वार्टर। There is a lot of expectations AI पर, and some companies will certainly do well. But कहीं पर post this numbers, if the stocks correct, there could be a decent entry opportunity longer term angle से. तो while I remain a little bit muted as far as IT goes, मैं कहूँगा कि market के relative basis पर अगर आप देखो तो somewhere valuations are coming to comfortable levels. क्या अभी घाय करके उतावल करके मैं अभी जाके खरीदूं? माय आंसर वुड बी नो, बिकॉज आई स्टिल बिलीव दैट देर आर सम डिसअपॉइंटमेंट्स गोइंग टू कम इन क्वाइट अ फ्यू सेक्टर्स। आई एम नॉट सेइंग IT में डिसअपॉइंटमेंट आएगा, बिकॉज IT के स्टॉक्स ज़्यादा अभी तक बढ़े नहीं है, स्पेशली फ्रंटलाइन, बट वेयर इज द हरी टू बाय टू देम? सो आई वुड ऑनेस्टली वेट नॉट ओनली फॉर द नंबर्स बट द मैनेजमेंट कॉमेंट्री। आई थिंक आउटलुक फॉर द लॉन्गर टर्म सर्टनली इज गुड। 1.5 साल तक फ्रंटलाइन स्टॉक्स हैव नॉट डन टू मेनी थिंग्स, तो कहीं पर मेरा ध्यान है, मेरा पर्सनल मानना है कि opportunity long term investment के लिए entry point बनकर आएगी post this numbers। okay, post numbers कुछ मौके जरूर मिलेंगे, considering कि पूरा index आपको करीब 23% वैसे भी ऊपर दिख चुका है, पिछले साल में एक अच्छी rally देखने को मिली despite all negatives। मेहरबान, एक pocket जिस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं वो है capital goods कंपनियां, और अब आप reports को सुन रहे होंगे कि interim budget में likelihood है कि करीब 8-10% एक्स्ट्रा खर्च कैपेक्स पे सरकार करती हुई दिखाई देगी। शायद उसी न्यूज़ पर आज कमिंस, L&T जैसे स्टॉक्स में तेजी बन रही है। अब यहाँ पर अगर सिलेक्टिव रहना है तो किस तरह के ट्रेड्स पर आपका ध्यान रहेगा? आई थिंक एक्सट्रीमली पॉजिटिव। आई थिंक आप 10 में से 10 इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स को पूछो, PMS गाइस को पूछो, मेरे जैसे एक्सपीरियंस मार्केट के एक्सपीरियंस आदमी को पूछो, आई थिंक टॉप 5 सेक्टर्स में इंडस्ट्रीज आएगा ही आएगा। द पॉइंट इज मार्केट भी ये परख चुका है, मार्केट भी जानता है, और मार्केट ये एज्यूम कर रहा है कि गवर्नमेंट फिर से आएगी एंड अल्टीमेटली इंडस्ट्रीज विल कंटिन्यू टू डू वेल। द क्वेश्चन समवेयर इज कि इतने सारे बढ़ गया है, अभी मैं जाके लू क्या? तो आई वुड से दैट इफ यू आर अ लॉन्ग टर्म प्लेयर, आई थिंक दिस इज अ सेक्टर विच यू शुड कंटिन्यू टू एड इन टू। अभी आप क्या लेंगे? सिंपल थिंग, 10 out of 10 पीपल विल से प्रॉक्सी वाइज लार्सन एंड टूब्रो, बट द वे द स्टॉक हैज गॉन अप विल यू गो एंड बाय टू देम? सो आई थिंक ये सेक्टर ऐसा बन चुका है कि आपका पैसा उसमें होना चाहिए एंड यू शुड डू अ बॉटम अप अप्रोच ओवर हियर विद क्लियर डिस्क्लोजर्स इन प्लेस। आई लाइक नेम्स लाइक श्रीराम पिस्टन्स, आई लाइक नेम लाइक वॉडिंगटन पंप्स विच इज WPIL, बाटली बॉय, किर्लोस्कर न्यूमैटिक, देर आर होल लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग नेम्स इन दिस पर्टिकुलर स्पेस। और अगर मार्केट में रियली भी पुल बैक आता है, जो मैं समझता हूँ आ सकता है, I believe that more money is going to go into this sector. So people are holding the stocks in this sector, well-managed companies, good order book, good cash flow. I don't think they should be in a hurry to sell it. This sector, according to me, should remain in focus. Agar iske andar aap railway jaise sector ko bhi add kar do, toh I believe that there is a lot of action yet to come in this particular sector. There could be a pullback in the interim period. ओके, मैं बोल नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ दिल्ली स्टूडियोज से। और बीते 1.5 साल का अगर आप निफ्टी FMCG में, सर आपका FMCG में व्यू चाहता हूँ, इंडेक्स करीब करीब 38,000 का 56-57,000 के लिए इंडेक्स हुआ था, अब थोड़ा सा पेन है 2 दिन से। जिस प्रकार के गोदरेज CP ने या फिर डाबर ने या फिर मैरिको ने क्वार्टरली अपडेट्स दिए,
अब दो धड़े हैं हमारे पास, एक स्टॉक्स जो कि ऑल टाइम हाई पे हैं, नेस्ले, कोलगेट, ब्रिटानिया, एक वो जो नहीं परफॉर्म कर पाए लाइक मैरिको एंड डाबर। अभी आप FMCG को रीड कैसे कर रहे हैं सर, आपका व्यू और कोई स्टॉक सिलेक्शन यहाँ पर, या फिर क्या आप ऐसा वो स्टॉक होगा जो कैश में कन्वर्ट करना चाहेंगे आप? आई थिंक जनरल मार्केट के बारे में जब अनुज जी ने पूछा, मैं कहना चाहता था लेकिन रह गया कि दो मेरे को वरीज है मार्केट में। एक है कि बैंक क्रेडिट, कॉर्पोरेट सेक्टर में बैंक क्रेडिट है, आई थिंक दैट इज नॉट पिकिंग अप ग्रोथ, लेकिन रिटेल क्रेडिट में ग्रोथ इज कीपिंग ऑन इंक्रीजिंग, विच समवेयर कुड बी अ वरिंग फैक्टर बिकॉज वी ऑल पॉसिबली कैन बिलीव कि लार्ज पार्ट ऑफ दिस रिटेल क्रेडिट इंक्रीमेंटल पैसा जो जा रहा है, इट्स पॉसिबली गोइंग इनटू द स्टॉक मार्केट। और दूसरा फियर है कि द डिमांड is just not picking up, especially in the rural segment. ये assumption मान के चलूंगा कि with elections coming, rural demand will also pick up. तो रही बात related to what you asked, FMCG. I think somewhere there was an inflation fear for the last many quarters, कि inflation margins will remain under pressure, and FMCG companies have done a wonderful job. Also हमें understand करना चाहिए कि ये पूरा sector जो है जिसमें I think 3-4% holding में मेरे है, disclosure के साथ कहूँगा, Nestle है, Colgate जो आपने कहा, I think while they are given great returns, they are not given such type of returns which the side market has given. So the interest has not been very high. So number one is demand is not picking up much. Secondly, companies काफ़ी मेहनत कर रहे हैं अपने margins को बरकरार रखने में और possibly improve करने में, packaging size हो, कुछ भी हो, they will continue to do it. But is that reason enough to for me to go and buy into them? Also, Virendra ji, हमें समझना चाहिए कि last year the monsoon was below expectations and monsoon is certainly a direct correlation होता है FMCG के साथ. तो I would say this pack में मेरा view remains muted. अगर आप सिंगल डिजिट ग्रोथ देने वाले हो, बोले वो डाबर हो, मेरिको हो, देन वाई शुड आई गो एंड जस्ट बाय इनटू द स्टॉक? दे आर गुड कंपनीज, सॉलिड कंपनीज, बट दे आर नॉट स्टॉक्स विच आई विल गो एंड बाय इन अ हरी। तो ओवरऑल कंजम्पशन स्पेस भी अगर आप पूछे FMCG को छोड़कर, आई थिंक समवेयर आई एम नॉट वेरी पॉजिटिव राइट नाउ। देर आर इंटरेस्टिंग नेम्स इन द स्पेस आउटसाइड FMCG इन कंजम्पशन, लाइक अ प्रिसिशन वायर्स टाइप ऑफ नेम विच आई लाइक, पॉलीकैप कॉम्पिटिटर है पॉलीकैप, वी नो वॉट हैपन टूडे, but there are interesting names here and there. So a little bit of bottom up approach would be more appropriate rather than kahna ki across the board, because they have not done much you can go and buy into them, because I don't want to adopt a very defensive stance right now. I would prefer to be on in that side of the camp ki jahan pe correction aata hai market mein, I will have my favorite sectors like a hotels or industrials, possibly a public sector banks, regional banks, railways, infrastructure, PSUs, I will go and buy into them rather than putting in incremental money at this stage in FMCG, a sector where most companies are well managed. But where is the hurry to go and buy into them? Excellent. I mean, बहुत एक स्पष्ट अपने मत दिया यहाँ पे मेहरबान, लेकिन एक मत यहाँ पे बाजार ये भी दे रहा है, जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, एक इंडेक्स अपने करियर का हाईएस्ट लेवल छू रहा है, दैट्स निफ्टी रियलिटी इंडेक्स। आपने कल वो DLF की खबर सुनी होगी सर, आई मीन अपना एक तो उन्होंने क्वार्टरली टारगेट्स पूरे किए और 3 महीनों के 6-9 महीने के टारगेट्स पूरे कर लिए, इतनी मतलब 7-7, 6-6 करोड़ के अगर आप देखें, आई मीन टिकट साइजेस में दिल्ली NCR में फ्लैट वो बेच रहे हैं और हाथों हाथ बिक रहे हैं, अंडर राइटर्स अगर आप देखें अच्छे से अंडर राइट भी कर रहे हैं। आपका व्यू और आपका पसंदीदा स्टॉक अभी भी स्पेस में क्या है? आई थिंक काफ़ी पॉजिटिव लंबे समय से रियल्टी में, अगर रियल्टी को आप कंपेयर करें पब्लिक सेक्टर बैंक्स के साथ, आप सोचेंगे मैं क्या कह रहा हूँ। पब्लिक सेक्टर बैंक्स की जो प्रॉब्लम थी NPAs की, भले वो प्रोविजंस हो चुके हो, थोड़े से राइट ऑफ हो चुके हो, द बुक्स बिकेम क्लीन, क्वाइट अ फ्यू ऑफ देम रेस्ड मनी, फिर से क्रेडिट दे रहे एंड दे आर डूइंग वेल, सो दे आर ऑन अ गुड विकेट। That's why I was liking public sector banks for the last 3 years. मैंने कहा था IT बेच कर पब्लिक सेक्टर बैंक्स, लोग कह रहे थे क्या कह रहा था। उसी तरह रियल एस्टेट में जो प्रॉब्लम्स थी काफ़ी सालों से, आई थिंक कोविड के बाद इन्वेंटरी प्रॉब्लम्स वर टेकन केयर ऑफ, सो द गोइंग कुड नॉट हैव बीन बेटर फॉर द रियल एस्टेट स्पेस स्टार्टिंग 2021, और आई थिंक दैट इज वॉट इज हैपनिंग राइट नाउ। आपको जो दिखता है द वे द स्टॉक्स हैव गॉन अप वेरी शार्पली, किसने सोचा था ये सब होगा, बट अल्टीमेटली व्हेन द गोइंग इज इन योर फेवर, आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड दैट इंस्टेड ऑफ गोइंग बीइंग इन अ हरी टू बुक प्रॉफिट, गो ऑन पुटिंग इन इंक्रीमेंटल मनी जो स्पेस में, जो सेक्टर में जहाँ पे एक्शन होता है,
जैसे रियल्टी आज की तारीख में है। इसमें अगर आप मुझे पूछे कौन से स्टॉक्स फेवर में है, कौन से स्टॉक्स मेरे पसंदीदा है, तो विद क्लियर डिस्क्लोजर आई हैव लाइक्ड मैक्रोटेक जो लोधा है, आई थिंक आई हैव लाइक्ड इट। एंड अनदर कंपनी आई एम पर्सनली होल्डिंग इज गोदरेज प्रॉपर्टीज, और एक डार्क हॉर्स जिसे मैं मानता हूँ पेनिनसुला लैंड। तो ये तीन कंपनीज है जो मैं पर्सनली ओन करता हूँ, एंड आई थिंक आई एम रेडी टू पॉसिबली गो एंड पुट इन सम मोर मनी एज एंड व्हेन आई हैव मोर मनी टू गो एंड पार्क इनटू देम। अच्छा ठीक है, चलिए अगले महीने दो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स आ रहे हैं, एक फेब 1 को एक फेब 4 को। पहले फेब 1 के इवेंट की बात करते हैं, फिर मैं आपसे फेब 4 के इवेंट का भी व्यू लूँगा। बजट से क्या एक्सपेक्ट किया जाए मेहरबान जी? आई डोंट थिंक दैट इज गोइंग टू बी अ फुल टर्म बजट, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी जस्ट के आउटलाइन विल बी गिवन, जैसे कल थोड़े ऑफिशियल स्टेटमेंट्स आने लगे थे। द पॉइंट इज एज फार एज द बोरिंग्स प्रोग्राम गोज, एज फार एज फिजिकल डेफिसिट गोज, आई थिंक एवरीथिंग सीम्स टू बी वेल अंडर कंट्रोल फॉर्चुनेटली। दूसरा है कि मार्केट इज लुकिंग टू मच एंड रीडिंग टू मच इनटू द फैक्ट दैट रिलेटिवली वी आर डूइंग मच बेटर देन द अदर्स, और मेरा पर्सनल मानना है कि देर कुड बी सम रिबेट्स हियर एंड देयर फॉर द मिडिल क्लास। आई सर्टेनली बिलीव इट विल हैपन, इट इज पॉसिबली अ लिटिल बिट ओवर ड्यू। एंड एज फार एज द गवर्नमेंट्स प्लान गोज ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट, एज फार एज कैपिटल आउटले गोज, आई थिंक दे विल पुट मोर एंड मोर थ्रस्ट इनटू इट। एंड चौथी बात है कि जो भी गवर्नमेंट ने अनाउंस किए थे पिछले कई सालों में, I think the completion thing possibly will be a little bit done on a faster vein before the elections come to us. So I think you can only remain positive as far as the statements come from the finance ministry, as far as the statement of account goes, or as far as the union budget goes next month. Okay, चलिए थोड़ा मैंने हंसी मजाक के इसमें कहा था, लेकिन 4th February वाला event मेहरबान, Indian Derby, क्या भी हुआ आपका उस पर? I think it's like any other year, I think, Anuji. I think, again, for sake of opportunity, milega to go and meet some corporate people over there. Yeah. And hopefully have a good time, like everybody has who goes there. Bilkul. Thanks for the telling me the date. हाँ बिल्कुल, थैंक यू सो मच। मेहरबान जी से पहली बार में मिला था 2004 2005 में, 2005 की डर्बी में, महालक्ष्मी रेस कोर्स में। ओ तो खैर, चलिए मेहरबान जी थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, और आपको फिर से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नहीं मैं तो खैर जाना बंद कर दिया, लेकिन मैं तो बस वो एक बार शौक के लिए गया था, उसके बाद से कभी गया नहीं। चलिए आप बोल रहे हैं तो एक बार आ जाऊंगा मैं भी, एक बार जरा देखते हैं थोड़ा सा। तो जाना है तो प्लान बना सकते हैं। ठीक है चलते हैं, मजा आता है वैसे वहाँ। अनुजी दुनिया ऐसी हो गई कि वी हैव स्टॉप टॉकिंग टू ईच अदर। नहीं नहीं एब्सोल्युटली, बिल्कुल बिल्कुल, वी जस्ट सेंड व्हाट्सएप मैसेजेस, सो देयर इज एन अपॉर्चुनिटी टू मीट पीपल, एंड दैट इज वेरी डिफरेंट देन जस्ट सेंडिंग व्हाट्सएप। चलिए मेहरबान जी प्लान बनाते हैं मिलते हैं। और कुछ नहीं तो कुछ मतलब हु से मिलने का मौका मिलता है वहाँ पर, तो चलिए ठीक है प्लान बनाते हैं इसका। थैंक यू सो मच। चलिए काम करते हैं, कल की तैयारी करते हैं। सबसे पहले यतिन के पास चलते हैं, डीलिंग रूम।